आज के इस वीडियो पे जानेंगे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे पे कुछ रोचक तथ्यों के बारे पे जिन्हें शायद आप नहीं जानते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नंबर एक, गणतंत्र दिवस की भव्य परेड देखने के लिए 26 जनवरी के मौके पर राजपथ से लेकर लाल किले तक परेड मार्ग पर प्रत्येक वर्ष 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटती है। इस पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर आम और खास सभी लोग शामिल होते हैं। नंबर दो, केंद्र सरकार द्वारा इस मौके पर प्रत्येक वर्ष भारत समेत कई राष्ट्रों से अतिथियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। नंबर तीन, वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत के गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बन चुके हैं। बराक ओबामा अमेरिकन राष्ट्रपति के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय के लिए राजपथ पर खुले आसमान के नीचे होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नंबर चार, 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू होने के साथ हुई थी। वर्ष 2050 से 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर ना होकर 4 अलग-अलग जगहों पर थी। नंबर पाँच, 1955 से गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन राजपथ पर शुरू किया गया। तब राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, तभी से राजपथ की इस आयोजन की स्थायी जगह बना दी गई है। नंबर छह, गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासन को विशेष अतिथि के तौर पर सरकार द्वारा आमंत्रित किया जाता है। नंबर सात, 26 जनवरी 1950 पर राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद विशेष अतिथि बने थे। नंबर आठ, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। राष्ट्रपति अपनी विशेष कार से विशेष घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ आते हैं। ये घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले में उनकी कार के चारों तरफ चलते हैं। नंबर नौ, राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण के वक्त उनके ये विशेष घुड़सवार अंगरक्षक समेत वहां मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं और इसी के साथ राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। नंबर दस, राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने तक पूरी हो जाती है। नंबर 11, 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है, उन्हें पैंडर्स कहा जाता है। प्रत्येक तोप में 3 राउंड फायर होती है। ये तोपें 1941 में बनी थी और सेना के साथ औपचारिक कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करने की परंपरा है। नंबर 12, गणतंत्र दिवस की परेड सुबह करीब 9 बजे ध्वजारोहण के बाद शुरू होती है, लेकिन परेड में शामिल सभी सैनिक, अर्धसैनिक बल और NCC व स्काउट जैसे विशेष दल सुबह करीब 3-4 बजे राजपथ पहुंच जाते हैं। नंबर 13, 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से पहले सभी दल करीबन 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं। परेड में शामिल सभी दल करीब 7 माह पहले जुलाई से ही तैयारी में जुट जाते हैं। नंबर 14, परेड में सभी शामिल दल नवंबर तक अपनी रेजिमेंट में अलग अलग अभ्यास करते हैं और दिसंबर से ये सभी दल संयुक्त परेड का अभ्यास करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। नंबर 15, परेड में शक्ति प्रदर्शन के लिए शामिल होने वाले टैंकों, हथियार, गाड़ियों और अन्य आधुनिक उपकरणों आदि के लिए इंडिया गेट परिसर में एक विशेष शिविर बनाया जाता है।